तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि आप सभी लोग बड़े ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल दी फिट राइडर पे एक बार फिर से। तो जैसा कि आपको आज थंबनेल टाइटल पढ़कर पता चल ही गया होगा कि जो आज का व्लॉग है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि 2024 में प्लान कर रहे हैं एक नई बाइक परचेज करने की, रॉयल एनफील्ड की 350cc के सेगमेंट में। तो आज हमारे पास दो बाइक हैं, एक है 100 350 एंड एक मीटियोर 350। इन दोनों बाइक का मैं आपको आज फुल ऑन डिटेल में रिव्यू बताऊंगा कि आपके लिए 2024 में इन दोनों में से कौन सी बेस्ट बाइक रहेगी परचेज करने के लिए। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन बाइक्स के मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मीटियोर 350 के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितने मॉडल आते हैं। तो आप जो ये बाइक देख पा रहे होंगे, ये मीटियोर 350 का सबसे बेस मॉडल है जिसका कि नाम है फायरबॉल। तो इसके दो अपर वेरिएंट और आते हैं जिसका कि नाम है सुपरनोवा एंड स्टेलर। तो जो सुपरनोवा है वो सबसे टॉप मॉडल आता है, जो इसका मिड वेरिएंट है उसका नाम है स्टेलर। तो अब जल्दी से हम 100 350 के बारे में भी बता देते हैं कि उसमें कितने मॉडल और आते हैं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं हम 100 350 के बारे में। तो आज हमारे पास जो 100 350 का मॉडल है वो सबसे टॉप मॉडल है जिसका कि नाम है मेट्रो रेबल। तो इसके भी दो वेरिएंट और आते हैं जो कि इससे बेस वेरिएंट है। तो जो सेकंड बेस वेरिएंट आता है उसका नाम है मेट्रो, एंड जो सबसे इसका लोअर वेरिएंट आता है उसका नाम है रेट्रो। तो अब जल्दी से इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन करते हैं, डिटेल बाय डिटेल मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इन दोनों बाइक्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम दोनों बाइक्स की फ्यूल कैपेसिटी के बारे में। तो मीटियोर 350 में जो टैंक साइज दिया गया है वो है 15 लीटर का, एंड जो 100 350 में टैंक का साइज दिया गया है वो 13 लीटर का। तो मीटियोर 350 में फ्यूल रिजर्व लगता है वो लगता है 5 लीटर में, एंड 100 350 में जो फ्यूल का रिजर्व लगता है 1.5 लीटर। तो गाइस, अब दोनों बाइक्स के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों बाइक्स में सिमिलर इंजन दिया गया है जो कि 349cc का नया सीरीज का इंजन है। जो ये इंजन है वो 27 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड 20.2 BHP के हॉर्स पावर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों बाइक्स में सिमिलर इंजन है, तो आपको पावर में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। एज जो 100 350 है वो थोड़ी सी लाइट है, तो उसका जो इनिशियल पिकअप है वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू मीटियोर 350। बाकी जो पावर और टॉप स्पीड है वो दोनों में सिमिलर है। तो गाइस, अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के टायर के बारे में। तो मीटियोर 350 का जो फ्रंट टायर का साइज है वो है 19 इंच, एंड जो 100 350 का टायर का साइज है वो है 17 इंच का। दोनों में जो ब्रेक्स दी गई है वो बाइब्री की ब्रेक्स दी गई है। दोनों का जो डिस्क का साइज है वो 300 mm का दिया गया है। दोनों ही बाइक्स में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। जो 100 350 है उसमें आपको सिर्फ जो इसका टॉप मॉडल है उसमें आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलेगा। जो इसके बेस वाले मॉडल है उनमें आपको स्पोक्स व्हील का ऑप्शन मिलेगा। मीटियोर 350 है उसमें आपको जितने भी इसके वेरिएंट है सारे बेस से लेकर टॉप तक उसमें आपको सभी का अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलेगा। तो यही डिफरेंस है इनके फ्रंट टायर के बारे में। तो अब जल्दी से इसके जो रियर टायर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने फ्रंट टायर के बारे में बात कर ली, अब हम इसके रियर टायर के बारे में बात करेंगे। तो दोनों ही बाइक में रियर टायर का साइज सिमिलर मिल जाता है जो कि है 17 इंच का। दोनों ही बाइक्स की जो डिस्क का साइज है वो है 270 mm का। एंड मैं आपको बताना भूल गया कि इन दोनों बाइक्स में आपको ड्यूल चैनल ABS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपकी बाइक स्लिपरी सरफेस में आपको अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगी। तो गाइस, अब दोनों बाइक्स की ग्राउंड क्लीयरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीटियोर 350 की जो ग्राउंड क्लीयरेंस दी गई है वो है 170 mm की, एंड 100 350 की जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो है 150 mm की। तो जो ग्राउंड क्लीयरेंस डिफरेंस है वो भी थोड़ा बहुत है इन दोनों बाइक्स में। तो अब जल्दी से आपको इन बाइक्स का दोनों का पोस्चर बता देता हूँ कि इन दोनों बाइक्स का सिटिंग पोस्चर है वो कैसा है। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको मीटियोर 350 का पोस्चर बताता हूँ कि इसका सिटिंग पोस्चर कैसा है। तो एज आप देख पा रहे होगे कि मेरी हाइट जो है वो 6 feet से अबव है। जो मीटियोर 350 है मैं इस पर अच्छे से बैठ पा रहा हूँ। जो मेरे पाँव आप देख पा रहे होगे अच्छे से ज़मीन पर लग पा रहे हैं, एंड जो इसका पोस्चर है, जो इसका फुट रेस्ट का पोस्चर है वो थोड़ा सा आगे दिया गया है जो कि इस बाइक को बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल बना देता है। तो अब जल्दी से 100 350 के बारे में बात करते हैं कि उसका जो सिटिंग पोस्चर है वो कैसा है। तो अब बात करते हैं 100 350 के पोस्चर के बारे में। तो इसमें भी मेरे जो पाँव हैं वो सिमिलरली पूरे ज़मीन में टच हो पा रहे हैं, बट जो मीटियोर 350 मेरे जो पाँव थे वो एकदम ईजिली टच हो पा रहे थे एज़ कम्पेयर टू 100 350। इसका जो फुट रेस्ट का पोर्शन है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसा है। तो इसमें जो आपका फुट रेस्ट का पोर्शन है वो आपको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक में मिलेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो सिटिंग पोस्चर है थोड़ा अग्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू मीटियोर। तो ये भी बहुत अच्छी बाइक है, एज इसमें भी आपको जो कम्फर्टेबल रहोगे अगर आपको लॉन्ग राइड्स पर जाना है। तो दोनों ही बाइक बहुत अच्छी हैं। तो अब मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको इन दोनों बाइक्स में से कौन सी कंसीडर करनी चाहिए। तब दोनों बाइक्स की हेडलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो 100 350 है उसमें भी आपको हैलोजन लाइट दी गई है, एंड जो मीटियोर 350 है उसमें भी आपको सेम हैलोजन लाइट देखने को मिलेगी। बट जो मीटियोर 350 है उसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि इसमें आपको DRS का सपोर्ट मिलता है हेडलाइट में, जिससे कि आपकी मीटियोर 350 की जो लुक है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी एज़ कम्पेयर टू 100 350। एंड दोनों ही बाइक में आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और देखने को मिलेगा कि इन दोनों बाइक्स में आपको 1000 लाइट देखने को मिलेगी। तो मैं आपको दोनों बाइक्स की 1000 लाइट ऑन करके दिखाता हूँ।
तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सारे जो इसके इंडिकेटर हैं वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं जब इसका हम हजार्ड लाइट ऑन करें, तो ये भी लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है देखने को। तो गाइस लास्टली अब हम इन दोनों बाइक्स के स्विचेस एंड बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इन दोनों बाइक्स के जो बटन्स एंड स्विचेस हैं एंड जो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है उसको कैसे यूज़ करना है। तो जल्दी से मैं आपको फर्स्टली मीटियोर 350 के दिखाता हूँ, देन उसके बाद आपको 100-350 का भी दिखाऊंगा। तो गाइस फर्स्टली हम मीटियोर 350 के स्विचेस के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा इसका किल स्विच एंड इसी के नीचे आपको हजार लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा एंड लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो यहाँ आपको इंडिकेटर टर्न का ऑप्शन मिल जाएगा एंड ऊपर लो बीम एंड हाई बीम का ऑप्शन दिया गया है एंड यहाँ पे एक आई बटन भी मिल जाता है जिससे कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को यूज़ कर सको। एंड साइड ही में आपको यूएसबी का भी ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप अपना फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो एंड डाउन साइड में आपको हॉर्न का ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड इसकी डिस्प्ले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ऑन करके। तो ये रही मीटियोर 350 की डिस्प्ले, तो इसमें आपको दिख जाएगा कि आपकी बाइक किस गियर में चल रही है एंड इसमें ट्रिप ए बी एंड ओडोमीटर देखने को मिल जाएगा एंड इसमें आपको टाइम भी देखने को मिल जाएगा। तो यही है कुछ इसकी नॉर्मल सी डिस्प्ले। तो गाइस अब 100-350 के स्विचेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको सिमिलर मीटियोर 350 की तरह किल स्विच देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे हजार लाइट का ऑप्शन, यहाँ पे इंडिकेटर टर्न का ऑप्शन, यहाँ पे लो बीम हाई बीम एंड सिमिलरली नीचे हॉर्न एंड यहाँ पे भी आपको यूएसबी का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में आपको आई बटन भी दिया गया है जिससे कि आप अपनी डिस्प्ले को यूज़ कर पाओ। तो इसका भी मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ कि किस तरह इसका जो क्लस्टर है वो भी सिमिलर मीटियोर 350 की तरह ही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें भी आपको गियर का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपकी बाइक किस गियर में चल रही है एंड सिमिलरली इसमें भी ट्रिप ए बी एंड ओडोमीटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। होप कि मैंने इन दोनों बाइक्स का सब कुछ टॉपिक कवर कर दिया होगा। अगर मेरे से कुछ छूट गया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। एंड अब मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दे कि आपको इन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक कंसीडर करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूंगी, अगर आपको थोड़ी बल्कि बॉबल लुक में बाइक चाहिए एंड अगर आपकी हाइट 6 फीट से कम है तो आप मीटियोर 350 को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो सीट हाइट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 100-350 से इसकी जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी कम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी जो हाइट है वो 6 फीट से अबव है तो आप 100-350 भी कंसीडर कर सकते हो, एज उसकी जो लुक है वो थोड़ी अग्रेसिव है एंड उसका जो पोस्चर है वो आपको थोड़ा स्पोर्टी भी देखने को मिल जाएगा। कई लोगों को 100-350 पसंद आएगी एंड कईयों को मीटियोर 350, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं तो मीटियोर 350 ऑन करता हूँ एंड जो ये 100-350 है मेरे फ्रेंड की है। गाइस यही थी कुछ आज की वीडियो, तो होप करता हूँ कि आपके जो डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड लास्टली मैं आपको इन दोनों बाइक्स के प्राइस के बारे में भी बता देता हूँ। तो जो 100-350 है जो 2024 में इसका जो प्राइस है जम्मू में, 100-350 का ऑन रोड प्राइस इस टाइम पड़ रहा है 2,20,000 एंड मीटियोर 350 जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने एक साल पहले परचेज की थी, उस टाइम मेरे को ये पड़ी थी 2,50,000 की जम्मू में। इनके जो प्राइस है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते रहते हैं। तो अब जो मीटियोर 350 का प्राइस है वो इस टाइम चल रहा है 2,60,000 जम्मू में। तो गाइस होप करता हूँ कि जो आपको आज का व्लॉग था वो अच्छा लगा होगा। तो जो मेरी मीटियोर 350 है उसके रिलेटेड मैं अपना ओनरशिप रिव्यू लाने वाला हूँ जल्दी ही, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहना। तो वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।